हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूँ विकास और आप सभी का शिक्षा ओशन में स्वागत करता हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, अब शाम के 4 बज चुके हैं और अब हमारा समय हो गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ने का। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आज की जो यह क्लास है, इसमें टॉपिक है अरब लीग। यानी आज की इस क्लास में हम अरब लीग के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि अरब लीग की स्थापना कब हुई थी, कहाँ इसका मुख्यालय है, आधिकारिक भाषा क्या है इसकी, कितने इसके सदस्य देश हैं, क्या इसके उद्देश्य रखे गए हैं तथा क्या इसकी संरचना है, क्या इसकी गतिविधियां हैं। इन समस्त जो विषय हैं, उन सभी विषयों पर चर्चा आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत करने वाले साथियों। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम अरब लीग को देखें तो अति ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों हमारा। तो इसलिए आप सभी लोग जल्दी से क्लास में ऑनलाइन आ जाइए, क्लास को लाइक करिए और क्लास को शेयर करिए। चले भैया, जल्दी से सारे स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी यार दोस्त हैं, उन सबको इस प्लेटफॉर्म से जोड़ दीजिए और आप सब उनको इस प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास करिए। चलिए, अब देर मत करिए और जल्दी से आप सभी लोग क्लास को शेयर करिए। हेलो मुस्कान, हेलो नाजमीन, सभी को नमस्कार। जय हिंद दिलीप जी। चलो जल्दी से आप सभी लोग क्लास को शेयर करिए, फिर उसके पश्चात मैं आप लोगों को अरब लीग के बारे में बताता हूँ कि एक्चुअल अरब लीग है क्या, किन परिस्थितियों में इसका निर्माण हुआ था, कब इसका निर्माण हुआ, क्यों इसका निर्माण हुआ था, कहाँ इसका मुख्यालय है, सारी जानकारियाँ मैं आप लोगों को प्रदान करूँगा। बस आप सभी लोग जल्दी से इस क्लास के लिंक को शेयर कर दो, ताकि क्या है कि दूसरे स्टूडेंट्स भी हमसे जुड़ सकें और हमारी क्लास को ले सकें और हम अच्छे तरीके से हम इस अरब लीग को समझ सकें। ठीक है, तो चलो जल्दी से आप सभी लोग क्लास को शेयर करो। चलो जल्दी से क्लास को शेयर करिए और बाकी जो आपके मित्र हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उन सबको आप सभी लोग इस प्लेटफॉर्म पर बुलाओ, शिक्षा ओशन के साथ जोड़ने का प्रयास करो और हम सब मिलकर अरब लीग को पढ़ने वाले हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से आज जो हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, वह अति ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हेलो संध्या, गुड इवनिंग, आप सभी का शिक्षा ओशन में स्वागत है। चलो भैया, जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर हम अरब लीग को पढ़ने वाले हैं।
तो चले मित्रों, अब हम आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। अब मैं आप सभी का ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा, नुकसान आपका समय का नहीं करूँगा। तो आज के क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो आप सभी का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की इस लाइव क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं अरब लीग को। यह अरब लीग है क्या, कब इसकी स्थापना हुई, कहाँ इसकी स्थापना हुई, कहाँ इसका मुख्यालय है, कितने इसके सदस्य हैं, क्या इसके उद्देश्य हैं और क्या इसकी गतिविधियाँ हैं, समस्त विषयों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। रही परीक्षा की दृष्टि से इसके महत्वपूर्ण होने की बात, तो साथियों आप सभी लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर ही रहे हैं और आप लोगों को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम अरब लीग के बारे में हम जानकारी को ग्रहण करते हैं। तो चलिए साथियों, तो अरब लीग है क्या, आप लोगों ने अरब का नाम सुना होगा, आप लोगों ने अरब देशों का नाम सुना होगा कि इस पृथ्वी पर कुछ देश अरब देश कहलाते हैं, खाड़ी देश कहलाते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा। अगर मैं अरब देशों के बारे में अगर आप लोगों को बताऊं तो अरब की खाड़ी है, अगर आप एटलस उठा के देखोगे तो एटलस में एशिया में आप आइएगा और एशिया में आप देखिएगा अरब की खाड़ी, अरब फारस की खाड़ी। ठीक है, उस खाड़ी के आसपास के जितने भी देश हैं वे अरब देश कहलाते हैं। तथा साथ ही में ऐसे देश जो एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित हैं, दक्षिण में स्थित हैं, ऐसे देश जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित हैं, ऐसे देश जिनमें अरबी भाषा बोली जाती है, अरबी भाषा समझी जाती है, उनकी जबान कौन सी होती है, अरबी होती है। ठीक है, ऐसे देशों को हम अरब देश कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा अरब देशों का, उन देशों को अपन किस नाम से जान रहे हैं, तो अरब देशों के नाम से हम उन्हें जान रहे हैं। तो अगर मैं आप लोगों को अरब लीग के बारे में कुछ सामान्य जानकारी दूं, सामान्य जानकारी का तात्पर्य मैं अगर आप लोगों को अरब लीग का इंट्रोडक्शन दूं, तो अरब लीग जो है यह मध्य और पूर्व में, यह पृथ्वी के मध्य और पूर्व में, जिसमें आपका एशिया और अफ्रीका आ गया है, तो इस मध्य और पूर्व में जो अरब देश है उन अरब देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, तो यह कौन सा संगठन हो गया, यह एक क्षेत्रीय संगठन हो गया, यह एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, न कि यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यह एक छोटे एरिया को कवर करता है, यह पर्टिकुलर एक एरिया के जो कंट्रीज हैं, जो देश हैं, उन देशों का एक समूह है, यानी ये एक क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, तो मध्य पूर्व में जो अरब देशों का एक समूह है उस समूह को अरब लीग कहा गया है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इस अरब लीग की औपचारिक नाम क्या है, इस अरब लीग का औपचारिक नाम क्या है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा साथियों, इस अरब लीग का औपचारिक नाम है अल जामिया अद दुअल अल रबिया, अल जामिया अद दुअल अल रबिया, यह पूरा जो नाम है यह अरबी भाषा का नाम है। ठीक है, अरबी भाषा का यह नाम है, याद रखिएगा। और अगर हम इसके आधिकारिक नाम की बात करें तो आधिकारिक नाम है अरब राज्य लीग। ठीक है, अरब देशों का एक संगठन अरब राज्य लीग। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि ये जो अरब लीग है इस अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, मुख्यालय की अगर अपन चर्चा करें तो साथियों, अरब लीग के मुख्यालय की अगर हम बात करें तो एक देश है मिस्र देश। ठीक है, इजिप्त, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, जिसे मिस्र या इजिप्त देश के नाम से हम जानते हैं, उसकी कैपिटल है काहिरा। ठीक है, उसकी कैपिटल क्या है, काहिरा, और उसी काहिरा में अरब लीग का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूं साथियों आप लोगों को कि अरब लीग के सदस्य कितने हैं।
और कौन कौन से इसके सदस्य देश हैं। तो सदस्यता के बारे में अगर आप लोगों को जानकारी दूं, तो उससे पहले आप सभी लोग यह मैप देखो, यह मैप आप सभी लोग देखो, आप सबको आपकी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सभी लोगों को दिख रहा है, सभी लोग ध्यानपूर्वक पहले इस मैप को देखो। हेलो शफीक जी, सभी को नमस्कार, आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आप सभी लोग इस मैप को देखो, आप इस मैप में देख रहे हैं कि एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकी महाद्वीप है, साथ ही में एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में आप लोग यहां देखो, ठीक है, एशिया महाद्वीप के यहां पर आप देखेंगे तो ये है अरब सागर, आप लोग यहां देखेंगे ये है आपका लाल सागर, फारस की खाड़ी, ठीक है, और यह जो आपका पूरा इलाका है, यह इलाका है एशिया का, ठीक है, और यह पूरा जो इलाका है, यह पूरा इलाका है आपका अफ्रीका का, ठीक है। तो उत्तर पूर्व अफ्रीका के कुछ देश हैं और आपके पश्चिम एशिया जो है, पश्चिम दक्षिण एशिया जो है, इस देशों के कुछ एशिया के कुछ देश हैं, और इन सभी देशों से मिलकर आपका अरब लीग बना है। अब प्रश्न यह उठता है कि वर्तमान में अरब लीग में कितने सदस्य हैं? तो साथियों, अरब लीग में वर्तमान में 22 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं साथियों? 22। कितने हैं? 22, ठीक है। तो वर्तमान में सदस्यों की बात अगर हम देखें तो 22 सदस्य अरब लीग में हैं। 2011 की बात है, नवंबर 2011, सीरिया की सदस्यता को खारिज कर दिया, ठीक है, यानी सीरिया को इस पूरे अरब लीग से बाहर कर दिया। प्रश्न उठता है कि अरब लीग से सीरिया को बाहर क्यों किया, सीरिया को बाहर क्यों किया? तो साथियों, सीरिया में सिविल वॉर चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है, और यह जो गृह युद्ध है, यह आपके जो सीरिया की जनता है और जो सीरिया की जो सरकार है, इन दोनों के बीच में चल रहा है। अच्छा, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके मुझे सीरिया की राजी और सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम बताइए। जल्दी से कमेंट करके सीरिया के राष्ट्रपति और सीरिया की जो राजधानी है उन दोनों के बारे में बताओ, जल्दी बताओ। तो अब मैं आपको बताऊं कि सीरिया में जो सरकार है, उस सरकार और वहां की जनता के बीच में गृह युद्ध चल रहा है, और इसकी वजह से सीरिया की सरकार ने वहाँ के जो नागरिक हैं सीरिया के, उनके ऊपर ज़्यादा अत्याचार किए। इसी वजह से साथियों, आपके अरब लीग ने सीरिया की सदस्यता को खारिज कर दिया। अगर हम सदस्यता की बात करें अरब लीग की, तो इसमें अल्जीरिया है, बहरीन है, कोमोरो द्वीप है, जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन, अगर मैं आप लोगों को आगे की जानकारी दूं, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मार्टिनिया, मोरक्को, ओमान, कतर, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया को तो निलंबित कर दिया था साथियों, ट्यूनिशिया और संयुक्त अरब अमीरात और यमन, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण देश आपके इस अरब लीग के सदस्य हैं। तो साथियों, से एक प्रश्न पूछा है और आप लोगों में से अभी तक किसी ने भी उस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं दिया है। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैंने आप सभी लोगों से पूछा है कि सीरिया की राजधानी और सीरिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है।
चलिए साथियों, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। सीरिया की राजधानी दमिश्क और सीरिया के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है बशर अल असद। बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब हम इसके आधिकारिक भाषा के बारे में बात करें तो इसकी आधिकारिक भाषा है अरबी, ठीक है, क्योंकि अरब देश है ना, तो अरबी, ठीक है। चलो अब किसी का कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लीजिए, यहां तक किसी स्टूडेंट्स का कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछो, नहीं हो तो भी बताओ। चले साथियों, अब मैं आप लोगों को इस जो अरब लीग है, इस अरब लीग के उद्भव और इसके विकास के बारे में आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखो, मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया तथा यमन, कौन कौन? मिस्र, ईरान, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया तथा यमन, इन सात देशों ने आपके काहिरा में, ठीक है, काहिरा में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया और इस समझौते पर हस्ताक्षर करके 22 मार्च 1945 को, 22 मार्च 1945 को आपके अरब लीग की स्थापना कर दी। यानी अरब लीग की स्थापना कब हुई? तो अरब लीग की स्थापना हुई 1945 को अरब लीग की इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चले जी, अब शफीक जी का एक डाउट है, मैं उस डाउट को क्लियर कर देता हूं। शफीक जी कह रहे हैं कि सर औपचारिक नाम क्यों रखा जाता है, तो मैं आपको बताऊं कि वहां की जो स्थानीय भाषा होती है उस स्थानीय भाषा में उस पूरे संगठन को क्या कहा जाता है वह औपचारिक नाम होता है। और आधिकारिक नाम की अगर अपन बात करें तो जिसमें आपके पूरे विश्व में जिस नाम से हम उसको संबोधित करते हैं वह आधिकारिक या कानूनी नाम होता है, ठीक है। इसी वजह से औपचारिक नाम रखा जाता है शफीक जी, ठीक है। तो अब 1945 में काहिरा में एक समझौते पर हस्ताक्षर करके आपके इस अरब लीग की स्थापना की थी। और याद रखिएगा साथियों कि इस अरब लीग की स्थापना में कौन कौन से संस्थापक सदस्य थे, तो मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया तथा यमन, ठीक है, ये सात देश इसके संस्थापक सदस्य थे, ठीक है। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि अरब लीग में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया, अरब लीग के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस व्यक्ति के द्वारा दिया, तो याद रखिएगा मिस्र के तत्कालीन प्रधानमंत्री, यानी 1945 में जो इजिप्ट के जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम है नहास पाशा, नहास पाशा, ठीक है। तो नहास पाशा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समर्थन से तथा अन्य देशों के समर्थन से इस अरब लीग की स्थापना में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है। यानी आप लोगों से प्रश्न जब आए कि अरब लीग की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किस व्यक्ति का था, तो तात्कालीन इजिप्त के प्राइम मिनिस्टर नहास पाशा का था, ठीक है। अब इसके पश्चात क्या हुआ, जो अन्य देश है, सात देशों के अलावा जो आपके अन्य देश हैं, वह अन्य देश धीरे धीरे अरब लीग के साथ जुड़ते चले गए। और वर्तमान में अगर हम इस अरब परिवार के सदस्यों की बात करें तो वर्तमान में अरब लीग में 22 सदस्य मौजूद हैं, ठीक है। सीरिया को तो उसके गृह युद्ध की वजह से निलंबित कर दिया था साथियों, ये आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलो अब मैं आप लोगों को अरब लीग के उद्देश्यों के बारे में बताता हूं।
अरब लीग जो है वह किन उद्देश्यों को रखते हुए इसका निर्माण किया गया था। तो सुनिएगा साथियों, जब अरब लीग के संविधान की हम बात करें तो अरब लीग के संविधान का आर्टिकल दूसरा यानी अनुच्छेद 2 अरब लीग के उद्देश्यों के बारे में बताता है, जिसमें पहला उद्देश्य यह है कि अरब लीग के जितने भी सदस्य होंगे वे सदस्य अपने संबंधों को मधुर करेंगे, आपसी संबंध उनके मजबूत होंगे, घनिष्ठ मित्र रहेंगे, राजनीतिक जो भी गतिविधियां होगी उनको वे स्थापित करेंगे, कूटनीतिक जो गतिविधियां होगी उनको वे स्थापित करेंगे, स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा करेंगे। अरब देश तो उस विवाद की मध्यस्थता अरब लीग करेगा, विवाद को सुलझाने का प्रयास भी अरब लीग करेगा। सीमा शुल्क, मुद्रा, कृषि, उद्योग, संचार, संस्कृति, राष्ट्रीयता, पासपोर्ट, वीजा, न्यायिक निर्णय, प्रत्यर्पण संधि, सामाजिक कल्याण तथा स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो विषय हैं, इन विषयों में भी यह के जितने भी देश हैं वह एक दूसरे का सहयोग करेंगे, यानी अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे। पासपोर्ट वीजा से संबंधित जो भी समस्याएं आती हैं उन समस्या का समाधान करेंगे। प्रत्यर्पण संधि, प्रत्यर्पण संधि आप लोगों को पता होगा साथियों, प्रत्यर्पण संधि का समर्थन एक दूसरे देश करेंगे। सीमा उद्योग संचार, इन सबको भी आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये इसके कुछ उद्देश्य हैं साथियों, और इन्हीं उद्देश्यों को रखते हुए अरब लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलो भैया यहां तक कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लीजिए, और जिस मानुभाव ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो भैया क्लास को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और इस वीडियो को शेयर करिए। और याद रखिएगा, इस पूरी क्लास का जो ये अरब लीग का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का पीडीएफ आप लोगों को शिक्षा ऑप्शन के ब्लॉग पर अवेलेबल करवाया जाएगा, और ब्लॉग की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों को अरब लीग के संरचना के बारे में आप लोगों को बताता हूं, इसकी संरचना किस रूप में है। तो अरब लीग में एक परिषद है, एक मंत्री स्तरीय समिति है, एक सचिवालय है और कुछ विशिष्ट एजेंसियां हैं। तो अगर हम इस अरब लीग की सर्वोच्च संस्था की बात करें तो वह होती है इसकी परिषद। इस परिषद में जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सभी मेंबर्स का एक प्रतिनिधि बिठाया जाता है, और हर एक प्रतिनिधि का एक वोट होता है, और इस परिषद की बैठक प्रतिवर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। और यह जो परिषद होती है, यह परिषद कार्यक्रम जो होते हैं अरब लीग के आने वाले कार्यक्रम उनके बारे में जानकारी देती हैं, उद्देश्यों के बारे में जानकारी देती हैं, और जो भी प्रस्ताव हैं उन प्रस्तावों पर भी यह चर्चा करती हैं। इसके अलावा अगर हम इसके मंत्री स्तरीय समिति की बात करें तो हर एक देश अपनी ओर से इस लीग में एक प्रतिनिधि को भेजता है जो कि एक मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि होता है, और वह जो मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि आपके जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं जैसे सूचना का क्षेत्र, आंतरिक मामलों का क्षेत्र, न्याय, आवास, परिवहन, सामाजिक मामले, युवा एवं खेल मामले, स्वास्थ्य, पर्यावरण, दूरसंचार, विद्युत जैसे कुछ जो मामले होते हैं, जैसे कुछ जो क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों के नियम कानून बनाने का कार्य यह मंत्रिपरिषद की समिति करती है। सचिवालय पूरा प्रशासनिक कार्य को संभालता है साथियों, और सचिवालय का एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, जिसे अरब लीग के अध्यक्ष के नाम से भी हम जानते हैं, और इसके अलावा इस कार्य के अलग अलग इसकी एजेंसियां होती हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको अरब लीग की
जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों के बारे में बताता हूं। ठीक है, अरब लीग के बारे में बात करें तो अरब लीग ने अनेक संधियों को स्थापित किया, अनेक समझौते इस अरब लीग ने किए। ठीक है, जैसे उदाहरण के तहत अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 1959 में पहली बार अरब लीग ने ही अरब पेट्रोलियम कांग्रेस का आयोजन किया था। ठीक है, अरब लीग ने ही पहली बार अरब पेट्रोलियम कांग्रेस का आयोजन किया। 1964 की बात करें तो 1964 में अरब लीग ने कृषि उत्पाद, प्राकृतिक संसाधन, औद्योगिक उत्पाद पर सीमा शुल्क की समाप्ति करना, श्रम पूंजी का मुक्त आवागमन, सामान्य बाह्य शुल्क की स्थापना करता, आर्थिक विकास करना जैसे कुछ विषयों पर भी समझौता 1964 में किया गया था। 1997 की अगर अपन बात करें तो आर्थिक सुधारों के लिए आपके अरब लीग ने अनेक कोषों का निर्माण भी किया था। ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, गतिविधियां इसकी अच्छी हैं, उद्देश्य इसके अच्छे हैं, किंतु फिर भी जो आलोचक हैं वे आलोचक इस अरब लीग पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। प्रश्न चिन्ह वह यह खड़ा करते हैं कि अरब लीग जो है वह अपनी प्रासंगिकता को खो चुका है, अरब लीग अपने उद्देश्यों की सही ढंग से प्राप्ति नहीं करता है, क्योंकि उन आलोचकों का मानना यह है कि अरब लीग के ही कुछ सदस्य आपस में लड़ते हैं, उनके बीच में झगड़ा होता है और झगड़े को वो आज तक समाप्त नहीं कर पाए हैं। अन्य देशों के साथ भी अगर युद्ध होता है तो उस युद्ध की समाप्ति और शांति समझौता वे आज तक नहीं कर पाए हैं। जैसे अरब इसराइल विवाद आप देख लीजिए, आज भी यह विवाद चल रहा है। ईरान इराक युद्ध आप देख लो, इराक कुवैत युद्ध आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो ये जो कुछ घटनाएं घटनाएं आपके इस पूरे संगठन के होने था, इसके जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों पर प्रश्न चिन्ह को खड़ा करती हैं कि क्या अरब लीग अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए साथियों, अब मैंने आप लोगों को इस अरब लीग से संबंधित सारी जानकारियों को प्रदान कर दिया है। ठीक है, तो अब मैं इस सेशन को यहीं समाप्त करता हूं और अब हमारी जो मुलाकात होगी वह शाम को 7 बजे करेंट अफेयर्स डेली डोज की क्लास में होगी। अब आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। आज स्टूडेंट थोड़े से हमारे कम आए थे, ठीक है, तो आप सभी लोग उन स्टूडेंट्स तक इस वीडियो के लिंक को पहुंचा देना ताकि वे स्टूडेंट्स क्लास को ले सके, देख सके। ठीक है, तो अब हम मुलाकात करते हैं शाम को 7 बजे करंट अफेयर्स डेली डोज की क्लास में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।